The Delhi Electricity Regulatory Commission today approved a tariff hike of 8.32% for three electricity distribution utilities, BSES Yamuna, BSES Rajdhani and Tata Power Delhi Distribution for the fiscal 2014-15. Tariff in the New Delhi Municipal Corporation area has also been hiked by 9.5%. The rates for consumption up to 400 units have been hiked by 2.5%, and the DERC chairperson said the bills will actually come down by up to 5%. He further expressed that those consuming up to 200 units in a month will have to pay 4 rupees per unit instead of the current 3 rupees 90 paise, while the rates between 200 to 400 has been increased from 5 rupees 80 paise to 5.95 rupees per unit. फिलहाल ये पीपीएसी इतना कम हो गया, 6 से 8% जिस भी लग रहा है वो ख़त्म हो गया है, और जो इंक्रीज़ किया गया स्लैब वाइज, वो जो 0 से 200 की स्लैब है और 200 से 400 की स्लैब है, उनके में 2.5% का इंक्रीज़ हुआ है। जो 390 था 0 से 200 का, उसका 400 हो गया, 10 पैसे बढ़ा है, विच इज 2.5%। और 200 से 400 का 580 था, वो 595 हो गया है, 15 पैसा उसमें बढ़ा है, विच इज़ अगेन 2.5%। तो उनका जैसे 8% अगर पीपीएसी लग रहा था जो हट गया, उसके बजाय 2.5% बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट उसका होगा कि उनका बिल कम हो जाएगा। A new slab has been created of 800 to 1200 units, and those consuming power in this category will now have to pay 8 rupees 10 paise per unit against the current 7 rupees. अच्छा, इसके अलावा हमने इस बार एक नई स्लैब और इंट्रोड्यूस की है। अभी तक जो स्लैब थी 400 से 800, उसके बाद अबव 800, अब हमने किया है 400 से 800, फिर एक 800 से 1200 की एक स्लैब और है, और 1200 के ऊपर की अलग स्लैब है, क्योंकि जो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, मान लीजिए किसी के यहाँ 10 एसी काम कर रहे हैं और जो बहुत हैवी कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत हाई इनकम ग्रुप में हैं, तो दे शुड मीट द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव पावर, तो उनके स्लैब्स में थोड़ा बढ़ाया गया है। हालांकि जो 800 यूनिट तक भी जो लोग कंज्यूम करेंगे, उस स्लैब का भी बिल कम हो जाएगा। पावर्ड बाय NNIS।